इंदौर की जोया ने अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज के बूते कई कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ ब्यूटी पिगमेंट मिस क्वीन ऑफ इंडिया 2017 का खिताब जीत लिया है। इस बड़ी सफलता के बाद जोया अपनी घर लौटी है जहां उनका शानदार वेलकम हुआ। इस सफलता की सीढ़ियों के बारे में जोया से इंडिया न्यूज संवाददाता ने बातचीत की। क्वीन ऑफ इंडिया 2017 जोया मिर्जा हमारे साथ मौजूद है एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन के लिए। किसी भी क्राउन को पाना इज नॉट ईजी, क्या कसर चुकानी पड़ती है, क्या कीमत चुकानी पड़ती है फयाज, तो क्या करना पड़ा यहाँ पर पहुंचने? देखिए, 3 साल हो गए इस क्राउन को सिर्फ पाने के लिए, क्योंकि 3 साल पहले 2015 में मैंने मिस दीवा से शुरुआत की थी। मिस दीवा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि वो मिस यूनिवर्स के लिए जाता है, और हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं एक छोटी सी कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी मुझ में, जो मिस दीवा से मैंने एक छोटी सी हार लेकर वापस इंदौर आई थी। लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश का सपोर्ट उस वक्त भी था जब मिस इंडिया में गई, तब भी था और आज भी है। आज वो तब भी खुशी मना रहा है जब मैं मिस क्वीन ऑफ इंडिया वेस्ट 2017 का क्राउन इंदौर लेकर आई हूँ। वैसे जीत हार तो शायद ड्यूरेशन का होता है, आज आपकी जीत है तो आज आपका डे है, तो क्योंकि आप इंदौर से ही हैं तो आपको शहर ने किस तरीके से वेलकम किया? मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा है और मैं हमेशा से मीडिया से हमेशा सपोर्टिव रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हूँ और क्योंकि मैं उन लोगों का इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वही एक ऐसे मुकाम रखते हैं जो हमें एक बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाते हैं, और आप लोगों के सामने मैं आज इसलिए प्रेजेंट हूँ क्योंकि मीडिया मेरे साथ में है और उनका सपोर्ट मेरे साथ में है। कहते हैं सक्सेस एक्सपीरियंस से मिलता है और एक्सपीरियंस बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस से मिलता है, तो अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते जाइए, आपको मुकाम जरूर हासिल होगा, ऐसा ही कुछ जोया कहना चाहती हैं। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ सुनीता सिंह, इंडिया न्यूज़ इंदौर।